मलप्रा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। न्याय के लिए अनशन पर बैठा मृतक शिक्षा मित्र राजेंद्र सिंह का परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। सरकार की शिक्षा मित्रों के प्रति बरती जा रही उदासीनता की एवं आर्थिक तंगी तथा अवसाद से ग्रसित होकर दिनांक 9/11/2018 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर प्राण त्याग चुके गांव फतेहपुरा अछनेरा निवासी दिवंगत शिक्षा मित्र राजेंद्र सिंह ज्यादा उनके परिजन सरकार से कोई मदद ना देख न्याय के लिए आज दिनांक 13/11/2018 से अन्न जल छोड़कर अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि पीड़ित परिवार को धीरज बनाने तथा मदद करने सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक नहीं पहुंचा। घटना से क्षेत्रीय जनता और शिक्षा मित्रों में आक्रोश है। आइए जानते हैं परिवार व शिक्षा मित्रों की राय। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आप यहाँ पे बैठे हैं तो कब तक बैठे रहेंगे? ना उठेंगे हम यहाँ से। कब तक नहीं उठेंगे? आपके आदमी मर गए, तो आपका अभी तक कोई पुलिस प्रशासन कोई अधिकारी? चार बच्चे हैं। तो ये आपके छोटे छोटे बच्चे हैं? ये आपके बच्चे हैं? तो कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा, कितनी लड़की हैं? तीन लड़की एक लड़का, चार बच्चे हैं। तो अभी तक कोई राजनीतिक नेता नहीं आया, विधायक सांसद कोई नहीं आया, कोई अधिकारी डीएम एसडीएम कोई नहीं आया? अच्छा, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? तो आप तो आपने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा आपने? तो आप खड़ा नहीं होंगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा, तब तक आप खड़े नहीं होंगे? आपका क्या नाम है? बीरेन सिंह सौकर, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। जी, ये इस समय जो घटना घटित हुई है इसमें एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की है, इस विषय पर आपका क्या मत है? राजेंद्र सिंह हमारे बहुत ही कर्मठ साथी थे, बहुत जिदारू साथी थे। उन्होंने जो निर्णय लिया है इसके लिए पूर्ण रूप से शासन प्रशासन और बेहिचाधिकारी महोदय जिम्मेदार हैं। उनको ना तो उनका एरियर मिला था, ना उन्हें अक्टूबर माह का मानदेय मिला था। कई बार इस संबंध में हमने बीएसए महोदय को लिखित में ज्ञापन भी दिया, चाहे डीएम साहब हों, कमिश्नर साहब हों, सीडीओ साहब हों, सबको हमने अवगत कराया, एरियर भी नहीं मिला हमें। दूसरा, जैसा कि सुनने में आ रहा था समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, कि सरकार द्वारा जो हाई पावर का एक कमेटी गठित की गई थी उसका निर्णय वो दे चुकी है, और वो निर्णय सुनाया जाना था, दीपावली पर घोषणा होनी थी शिक्षा मित्रों को लेकर के, वो नहीं किया गया और इसी अवसाद में आकर के उन्होंने और ये निर्णय लिया है। तो अभी जो उनका परिवार धरने पर उस पर बैठा हुआ है अनशन पर, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? परिवार दुखी होकर के बैठा है। जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको वोट देके सांसद बना के जाके चुन के भेजा, वो उनके दरवाजे पर आज तक नहीं पहुंचे उनका दुख बांटने के लिए। और हमारे बीएसए महोदय जो हमारे विभाग के मुखिया हैं, एबीएसए कोई नहीं गया इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है इस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं। और एक तरफ हमारे साथियों को समय से मेहनत आना है वो भी नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ही हम पूरे परिवार की हमारी संवेदना है वो परिवार के साथ हैं, और हम बहुत ही जल्द बैठ करके आज ही एक निर्णय लेंगे और इसमें हम आगे अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। धन्यवाद। बोलो भगत जी, स्टार्ट करो। मेरा नाम बाटीराम है, मेरा लड़का शिक्षा मित्र में नौकरी कर रहा था, नौकरी जाने के बावजूद उसे कोई योजना हुई, मकान भी नहीं कर पाए, कोई परेशानी थी उसके अंदर, नौकरी मिली नहीं उनको, परेशानी कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। हमें भाई साहब कोई सरकार न्याय नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है।
लोगों को न्याय होना चाहिए। हमारे बच्चे को परेशानी है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। ये उनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो आप धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? आप लोग तो कोई ध्यान नहीं करेंगे, तो आप कुछ खा पी नहीं रहे? कुछ खाना पीना कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश डागुर है, मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ। अभी हाल ही में हमारे अछनेरा ब्लॉक में कार्यरत एक शिक्षा मित्र राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये हमारे शिक्षा समुदाय का, शिक्षक परिवार का सबसे बड़ी दुखद घटना है और इस पर हम सभी को बहुत ज़्यादा गहरा शोक और दुख है। जैसे ये परिवार आज अनशन पर बैठा है, तो क्या स्थिति है, क्या कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी पहुंचा है? देखिए, ये हमारे सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और इसमें लोकल जो प्रशासन है, मैं उसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि वो अब इतना अमानवीय हो गए हैं कि एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया BSA साहब इतने अपने कार्यों में मग्न हैं कि उनको इतनी भी सुध नहीं आई कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार से क्या गुजर रही होगी। वो जाकर एक मिनट उसे मिल भी आते, उसके परिवार से ढाढ़स बंधाते। और इसके पीछे का कारण, प्रमुख कारण केवल इतना सा है कि राजेंद्र सिंह को और इसके साथ और कई अन्य शिक्षा मित्रों को उनका मानदेय नहीं मिला, जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगातार इस बात का दबाव बनाया कि आप शिक्षा मित्रों का मानदेय समय से और दीपावली से पहले आप रिलीज़ कर दीजिए, लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस कारण उसने परेशान होकर, व्यथित होकर आत्महत्या कर ली। बहुत दुखद विषय है और इस पर हम लोगों की रणनीति आगे की ये है कि इसमें हम शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ निश्चित तौर पर संगठनात्मक निर्णय लेंगे और धरने प्रदर्शन या इस तरह का प्रयास करेंगे जिससे कि उसके परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिले।